जय उत्तराखंड, वैसव मोटे में आपका स्वागत है। राजधानी गैरसैंण के लिए मुहिम और तीस, जहां एक और स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति पूरे उत्तराखंड के अंदर जन अभियान चला रही है, जन संवाद यात्रा की चालू है, वहीं एक दूसरी ओर गैरसैंण राजधानी निर्माण अभियान देहरादून में पिछले 45 दिनों से धरने पर बैठी हुई है। ये धरना लगातार चल रहा है और अनिश्चितकालीन धरना है। आइए देखिए हमारी रिपोर्ट। राजधानी गैरसैंण की मांग तेजी से बढ़ने लगी है। एक और जहां पूरे उत्तराखंड में जन संवाद यात्रा चल रही है, वहीं दूसरी ओर अस्थायी राजधानी देहरादून में पिछले 30 दिनों से गैरसैंण राजधानी निर्माण के लिए गैरसैंण राजधानी निर्माण अभियान धरने पर बैठा है। धीरे धीरे इनके साथ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सामाजिक संगठन, बेरोजगार संगठन और आम जनता जुटती जा रही है और गैरसैंण पर ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है। वहीं आम जनता अब स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग करने लगी है। देहरादून में बैठे इस धरने में गैरसैंण राजधानी निर्माण अभियान के साथ काफ़ी सामाजिक संगठन, आम जनता दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इनका हौसला बढ़ता जा रहा है। इनका कहना है कि हम ये हड़ताल को अनिश्चितकाल रखेंगे और जब तक उत्तराखंड में स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग सरकार मांग नहीं लेती, हम तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। अब जो जंगल जमीन की जो उत्तराखंड की लड़ाई जो सालों से चलती आ रही है, वर्षों से चलती आ रही है, अब उसको मुकाम में पहुंचाने का समय अब आ चुका है। सड़कों में अब जनता उतर चुकी है। उत्तरकाशी से पंचोत्सव से तभी एक यात्रा गैरसैंण आंदोलन के लिए की है और अब जो ये पहाड़ विरोधी सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसको अब जवाब देने का समय आ गया है। युवा भी अब जागरूक हो चुका है। युवा विधानसभा भी हुई थी जिसमें युवाओं ने एक संदेश दिया है। दो दिन के अंदर उन्होंने गैरसैंण राजधानी प्रस्ताव पास करा था। पहाड़ की आवाज, पहाड़ की गैरसैंण राजधानी है और उसको अब घोषित करना ही पड़ेगा सरकार। इस आंदोलन को पूरे उत्तराखंड में युवाओं तक कैसे पहुंचाओगे आप, क्या रणनीति आपकी? जी, हम सबसे पहले तो ये सोच रहे हैं कि जो 13 जिले हैं, एक हमने एक प्लान बनाया है, 13 जिले 13 किले करके, जिसमें हम चाहते हैं कि हर जिले में लोगों को जागरूक किया जाए। सबसे पहले गाँव गाँव जाके एक यात्रा भी शुरू हो चुकी है पंचोत्सव से उत्तरकाशी के लिए, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि गैरसैंण क्यों जरूरी है, गैरसैंण क्यों जरूरी था। और इसी डर करके हम युवाओं को एकजुट करके एक महापंचायत बुलाएंगे जिसमें सरकार का घेराव होगा, जिसमें विधायकों को घेराव करेंगे। विधायकों को सर, मेरा नाम गिरीश राव होता है, वर्तमान में बेरोजगार संघ का प्रदेश प्रमुख हूँ और मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जो ये 18 सालों से जो ये अब तक हमारी राजधानी स्थाई, उसको स्थाई नहीं कर पाए या आप कोई क्लियर स्टैंड नहीं कर पाए, अब कहाँ करना चाहते हैं? गैरसैंण एक स्थान नहीं है मेरे हिसाब से। गैरसैंण एक पहाड़ की विचारधारा है जो पहाड़ के केंद्र में स्थित है। अभी किसी गैरसैंण एक धड़कन है और धड़कन हमेशा बीच में होती है और मैं तो चाहता हूँ सरकार को, जब कोई पार्टी विपक्ष में होती तभी उसको क्यों याद आती कि जो है राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए थी। मैं पिछली बार जब पेपर न्यूज़पेपर देखता तभी अजय भट्ट वहाँ राजधानी के लिए कांग्रेस का घेराव करते कि भाई राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। आजकल लोग सत्ता में आ रखे तो आजकल लोग भूल गए, अब अगली बार कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस भूल जाएगी। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहूंगा, आप गैरसैंण राजधानी के मुद्दे पे फुटबॉल ना खेलें, आप इस पे अपना क्लियर स्टैंड करें, अन्यथा जो है जो दुर्गति पिछली बार कांग्रेस की हुई थी अगली बार भाजपा की होनी निश्चित है। तत्पर क्या है, देहरादून एक स्थायी राजधानी बनी भी तो है? देखिये, ये हमारा प्रदेश, ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन साधकों की बदौलत ये राज्य बना और ये राज्य बनने के बाद 18 साल बाद भी हम आज निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। हम अपने बच्चे को एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न नहीं बता पा रहे हैं कि हमारी राजधानी कहाँ है। 9 मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिल गए लेकिन आज तक हम राज्य को स्थायी राजधानी नहीं दे पाए। कि कहीं न कहीं राजनीतिक जो इस तरीके से जो ये प्रतिस्पर्धा जो आपस में चल रही है कांग्रेस और बीजेपी में, उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और जिन 9.5 जिलों के लिए इस राज्य की मांग की गई थी वो 9.5 जिले ही आज हाशिए पे आ गए। यहाँ पे जिस प्रकार से राजधानी के नाम पे जो कंक्रीटों का जंगल, यहाँ तमाम जो तराई क्षेत्र में यहाँ पे देहरादून से लेकर हरिद्वार से लेकर उधमसिंह नगर तक जो कार्य किए जा रहे हैं और देहरादून जो केवल एक बहुत दून घाटी के नाम से जाना जाता था, उसको जिस प्रकार से यहाँ पे एक षडयंत्र की तरह ब्यूरोक्रेसी के कंक्रीट में फंस के ये लोग रह गए हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे जनप्रतिनिधियों की परिपक्वता की कमी थी। नहीं तो हमें राज्य बनने के बाद ही हमें राज्य के जो है स्थायी राजधानी हो जानी चाहिए थी और ये पहला एक मूवमेंट था जो राज्य आंदोलन में ही हमारी राजधानी तय हो गई थी।
कि गैरसैंण चंद्रनगर के नाम से राजधानी होगी। और इस प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि सारे आयोगों की रिपोर्ट आती है वो आज तक सार्वजनिक नहीं की जाती है, चाहे वो मुख्यमंत्री खंडूरी जी रहे हो, उनके द्वारा पास जो अंतिम जो रिपोर्ट आई थी उसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाएं किसी भी तरीके से। और पिछले 27 दिन से यहाँ पर जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, 27 दिन हो चुके थे, इसलिए एक मन में एक प्रश्न आ रहा था कि आखिर क्या धरना ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमने सोचा कि एक यहाँ पर जो है एक बैठक बुलाई जाए, उस बैठक में हम निर्णय लेंगे कि भविष्य में हम क्या करेंगे और कैसे हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी जो हमारा जो आज निर्णय हो रहा है और अभी जो हुआ है उसमें यह है कि एक कोर कमेटी बनाई जाएगी जिसमें कि कुछ लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी, उसमें युवा लोगों को ज़्यादातर जोड़ा जाएगा, बेरोजगार संघ हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो उनमें से भी युवा लोग हमारे साथ में हैं, और डिफरेंट जो भी संघ है या छात्र संघ है या कॉलेज महाविद्यालय है, इनमें जाके जो है छात्रों को जागरूक किया जाएगा। गांव-गांव में जाकर और हर जिले में जिले के जो मुख्यालय हैं मुख्यालय पे जाके हम प्रदर्शन करेंगे, वहां पर जो जिला अधिकारी है उनको ज्ञापन देंगे, उसके साथ साथ जो ग्राम प्रधान है, जो क्षेत्र पंचायत है और जो जिला पंचायत है, इन सब तक पहुंचा जाएगा। जो ये सर्वेक्षण अभियान हमारा है, इस अभियान के थ्रू हम लोगों की राय लेंगे और जानना चाहेंगे लोगों के क्या विचार हैं और गैरसैंण के प्रति उनके क्या विचार हैं, क्या वास्तव में लोग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि गैरसैंण में राजधानी हो। लेकिन जो अब तक की जो रिपोर्ट्स आई है उसमें 60-70% जो गैरसैंण के पक्ष में जो है लोगों की राय रही है। तो हम इस जो सर्वेक्षण अभियान को है एक हम बहुत अलग तरीके से कर रहे हैं, हमने एक परफॉर्मा तैयार किया हुआ है, एक क्वेश्चनियर तैयार किया हुआ है जिसमें काफी सारे क्वेश्चन हम जब जनता के बीच में जाएंगे उन क्वेश्चन को पूछेंगे और उनकी राय लेंगे, उसके थ्रू हम इस जो सर्वेक्षण अभियान का रिजल्ट जो है वो जनता के बीच में रखेंगे। ये हमारी आगे की नीति रणनीति। आप सभी चाहते हैं कि पहाड़ की खबरों को हम आप तक पहुंचाएं, तो कृपया हमारा चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय उत्तराखंड।